सनिस्क है और हम अभी आए हुए हैं हजारीबाग के एक बहुत अच्छे टीम के पास जो एल्बम बनाते हैं और एल्बम के सहारे झारखंड के कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे झारखंड के लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये हमारे झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। तो इसके लिए अभी हम लोग मिलने वाले हैं इन पूरी टीम से, जिसमें आपको मिलेंगे इसके डायरेक्टर, इनके सिंगर्स और इनके कोरियोग्राफर और कुछ एक्टर और कुछ डांसर जो सभी हमारे सामने मौजूद हैं, और इनसे पूछेंगे कुछ अच्छे सवाल और पूछेंगे कि आखिर ये इनका मकसद क्या है ये एल्बम बनाने का, और ये इस एल्बम के सहारे हमारे झारखंड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मिलेंगे इस सॉन्ग के डायरेक्टर राहुल पासवान से, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो राहुल सर। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, जोहार झारखंड। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये पार्ट टू एल्बम है और इसका पार्ट वन हम लोग 6 फरवरी को पिछले साल उद्घाटन किए थे और इसके बाद पार्ट टू का उद्घाटन हम लोग किए हैं भव्य रूप से। ये गाना क्यों सुनने चाहिए ये सबसे बड़ी बात है। इसमें 23 सिंगर हैं और 30 डांसर लोग हैं। अच्छा, 23 सिंगर है? हाँ, टोटल 23 सिंगर। हाँ, मतलब इस तरह से अगर हम बात करें तो पूरा कल्चर को आप दिखाए हैं इस गाने में। हम इसका पार्ट वन देखे थे। हाँ, लेकिन पार्ट वन देख के लगा था कि हाँ ये हमारे लिए काफी, मतलब हमारे इस कल्चर को काफी बढ़ावा देगा, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि इसका पार्ट टू आया और आप बना भी दिए तो ये काफी हेल्पफुल होगा और काफी क्रिएटिवली इसको बनाया गया। गाइस, तो आप लोग जरूर देखिएगा इस सॉन्ग को। तो आइए, अभी मिलने वाले हैं हम और बात करने वाले, कुछ इंटरेक्ट करने वाले हैं और पूछने वाले कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे इस एल्बम के सिंगर से, जिनका नाम है इनका नाम है भीम आर्या। तो ये बताएंगे कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और कितने क्रिएटिवली ये सॉन्ग को गाए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। थैंक यू सो मच सनिस्क वाइब्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सुबह का एक बार इंटरव्यू लेने के लिए। और हम बताना चाहेंगे इस गाने में हमने डांस भी किया और सिंगिंग भी किया, दोनों चीज़ किया। मतलब दोनों आप ही किए? हाँ, दोनों। मतलब इसमें 23 सिंगर्स है और 30 डांसर है। अच्छा, और सारे सिंगर्स मतलब अभी तो बहुत लोग हैं। सब झारखंड। हम आपसे कुछ गानों की कुछ झलक सुनना चाहेंगे क्योंकि गाना बहुत अच्छा था, हम देखे भी थे। फर्स्ट पार्ट में भी सॉन्ग बहुत अच्छा था और सेकंड पार्ट का भी सॉन्ग बहुत अच्छा है, रिलीज हो चुका है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो आइए कुछ सुनते हैं इनसे कुछ सॉन्ग का पार्ट और देखते हैं कि क्या लेवल, कैसे इंटरेस्टिंगली ये गाते हैं। नदी जंगल और है पहाड़, माटी झरना और है बहार, दिख में अति सुंदर लगेला बड़ी सुंदर, दिख में अति सुंदर लगेला बड़ी सुंदर, हाय रे मोर सुंदर झारखंड, हाय रे मोर प्यारा झारखंड। तो इस गाने का तो जैसा गाइस आप लोगों ने सुना अभी कितना अच्छा गाते हैं भीम आर्या जी, और अभी हम आपको मिलवाते हैं इस सॉन्ग के जो डांस हुआ है, जो ब्यूटीफुल डांस है, उसके कोरियोग्राफर से, और उनका नाम है कृष्णा। ये बहुत अच्छी कोरियोग्राफी करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल। तो कृष्ण जी, आपका कितना टाइम लगा था इस पूरी कोरियोग्राफी करने में? जोहार झारखंड। जोहार। मैं डांस कोरियोग्राफर कृष्णा दास, ठीक है। इस वीडियो का जो कोरियोग्राफी जो हम किए हैं लगभग 2 मंथ में कम्प्लीट किए हैं, क्योंकि इसमें जो आप देख सकते हैं जो लिरिक्स है उसमें जैसे जैसे वर्ड का इस्तेमाल वैसा हम स्टेप को भी ऐड किए हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम लिरिक्स के साथ सारे लिरिक्स के साथ साथ आप एक बार एक वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कोरियो कितना हार्ड है। प्लस में इस सॉन्ग का जो प्रिपरेशन चला था वो लगभग 7 से 8 मंथ लगा था, क्योंकि जितने भी सिंगर थे 24 सिंगर थे जिसमें ताल एक साथ नहीं मिल पा रहा था, तो उसको हम लोग एक साथ मतलब कि मिलाने में उनको लगा उतना टाइम। उसके बाद फिर कोरियम तो मतलब टोटल सा मिला करके 1 साल लग गया। 1 साल। हाँ, तो समझ सकते हैं गाइस किसी एक सॉन्ग को प्रिपेयर करने में टोटल 1 साल लगा। अब आप मेहनत, इस मेहनत को आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है किसी एल्बम को बनाने के लिए, और सारे जितने भी कोरियोग्राफर, सिंगर, डांसर और डायरेक्टर सब इंडल्ज होते हैं एक किसी एल्बम को बनाने के लिए। तो ये काफ़ी मतलब सराहनीय है। और आइए बात करते हैं कुछ डांसर से और वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस और शेयर करेंगे कि क्या कैसा था, कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, क्या फन एक्टिविटी होता था और कैसे सूट हुआ। क्या नाम हुआ? प्रज्ञा सिंह। चलिए मिलते हैं प्रज्ञा सिंह।
जैसे कि हमारे साथ अभी हमारे डायरेक्टर सर हैं, तो ये जितना इतना बड़ा जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पॉसिबल हो पाया है, तो वो हमारे पूरे टीम वर्क हमारे डायरेक्टर सर के कारण, तो सबसे पहले तो उनको थैंकफुल, हम लोग सब हैं उनके लिए थैंकफुल। और हमारा टीम वर्क बहुत अच्छा था, क्योंकि ये 23 सिंगर्स और 30 डांसर को लेके चलना है इस बहुत बड़ा बात है, क्योंकि कभी हमारा मतलब माइंड सेट नहीं होता सब एक साथ काम करने के लिए, तो टाइम लग गया उसमें काफ़ी, पर जब प्रोजेक्ट फाइनल आया तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और जहाँ तक कि रिहर्सल का बात है डांस और गाना का, तो हमारे भैया कृष्णा भैया जो भी कोरियोग्राफर है हमारे साथ, वो बहुत सपोर्टिव थे और बहुत अच्छे तरीके से सिखाते थे और कोशिश करते थे कि मतलब सभी बहुत अच्छे से करें, तो टाइम ज़्यादा लगा पर मेहनत और एफर्ट थोड़ा कम लगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से सिखाया हम लोगों। जैसे होता है ना कि प्रैक्टिस करते करते बहुत बार थक जाते हैं, तो ऐसा फन एक्टिविटी लाइक कि चलो थोड़ा सा आराम कर लो, तो वो थकावट महसूस नहीं होता था, क्योंकि हमारा टीम इतना बड़ा था तो हम लोग सब एक दूसरे के लिए थे हमेशा, और मतलब बहुत अच्छे से मैनेज हो गया सारा। और बीच बीच में मस्ती वगैरह करते थे? हाँ हाँ, वो सब बिल्कुल होती थी, और क्योंकि टीम वर्क ही इसलिए होता है ताकि हम लोग मतलब वो बोर ही ना फील कर पाए, तो हमारा टीम बहुत अच्छा था। और ये गाना का खासियत भी यही है कि ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क को लेते हुए ये गाना बनाया। अच्छा, डायरेक्टर सर के बारे में कुछ दो चीज बताइए कि वो मतलब, देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट पॉसिबल हो उनके कारण, वो बहुत सपोर्टिव थे, वो ऐसे सिंगरों को भी सपोर्ट किए जो शुरू में मतलब जिनका ये शुरुआती दौर, वो मतलब वो उनके अंदर से डर को भगा रहे थे, भगाना चाह रहे थे, और वो फाइनली जब हमारे सारे सिंगर जब रिकॉर्डिंग हो गया तो वो सबके अंदर से कहीं ना कहीं डर थोड़ा ना थोड़ा खत्म हो चुका था कि मतलब हम कर सकते हैं, मतलब मौका भी देते हैं। बिल्कुल, वो एकदम नए सिंगरों को भी मौका देते हैं, क्योंकि कई बार मौका ना मिलने के कारण ही कई सिंगर कई कलाकार छिप जाते हैं, तो हमारे डायरेक्टर सर सबको सपोर्ट करते हैं और सबको मौका देते हैं नए तो देख रहे हैं गाइस, मतलब कितना एंटरटेनमेंट के साथ ये वीडियो शूट हुआ, सारे मस्ती के साथ, और सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ में मज़ा आता है तो जर्नी में मज़ा आता है, वो जो फाइनल रिजल्ट आता है वो तो आता ही है, वो उसमें कितना वो तो ऑडियंस डिसाइड करती है, लेकिन प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, और इन लोग काफ़ी इन्जॉय करते हुए चीज़ों को शूट किए, उसको डायरेक्ट किए, और फिर सारा चीज़ अच्छे से हुआ। तो आइए फिर एक और कलाकार से मिलते हैं और पूछते हैं उनका नाम, क्या नाम है आपका? अनीता कुमारी। तो इनसे पूछते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं कि इनको कैसा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पूरे एल्बम के दौरान। अनीता, हेलो, सबसे पहले आप लोग को जोहार झारखंड। जोहार। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि ये जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा फर्स्ट गाना था और स्टूडियो में मैं कभी गाई नहीं थी, जो कि राहुल सर बहुत बढ़ चढ़ के हमको सपोर्ट किया कि तुम गा लेगी अंत तक, तुम कर लेगी, तो हम ये गाना गाएँ। ये गाना गा के हमको बहुत अच्छा लगा, चूँकि ये झारखंड को लेके है, झारखंड का संस्कृति के बारे जो हम लोग का छिप रहा है वो चीज़ को ये गाना दर्शाता है, तो हम इस गाने से बहुत खुश हैं। अच्छा, आप बताइए कि इस गाने में झारखंड के किस तरह की संस्कृति को, जो जो मतलब अगर हम स्पेसिफिकली आपको पूछें तो यहाँ का कल्चरल एक्टिविटी, यहाँ का सुंदरता, झारखंड का जो खनिज है जो पॉपुलर है पूरे भारत देश में, तो आप किस तरह के पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज को दर्शाना चाहते हैं डायरेक्टर सर इस मैसेज के द्वारा? और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि झारखंड के कल्चर को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें सबसे जरूरी एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे आपकी पूरी टीम से कि आप किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं और किस तरह की संस्कृति हमारे झारखंड में मतलब थोड़ी विलुप्त हो रही है, कह सकते हैं यहाँ झारखंड में क्या क्या चीज़ का कमी है? हमारा झारखंड सबसे सर्वश्रेष्ठ है अगर बात करें खनिज के मामले में, यहाँ की संस्कृति के मामले में, यहाँ के कल्चर के मामले में, यहाँ के लैंग्वेज के मामले में, और यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में। तो आप अगर आपसे पूछे इस एल्बम के द्वारा, तो हमारे इस इंडिया को, हमारे इस भारत को और हमारे इस सारे ऑडियंस को आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं इस सॉन्ग के द्वारा, तो ये पूछना चाहेंगे पूरी टीम से। बहुत अच्छा प्रश्न था, और आपके चैनल के माध्यम से हम जानकारी दे देना चाह रहा हूँ कि जो गाना है आप सुनिएगा, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, वो सारा चीज़ इसमें दर्शाई गई है। अगर बहुत सारे लोग झारखंड के हर ज़िला नहीं घूम सकते, लेकिन हमारे गाने के माध्यम से हर ज़िला घूम सकते हैं। अच्छा, और ये चीज़ सबसे पहले आपको
पता लगना चाहिए कि बड़का गांव में क्या है, दुमका में क्या है, सरायकेला खरसावां में क्या है, लातेहार में क्या है, हजारीबाग के हम लोग रहने वाले हजारीबाग के खासियत क्या है, खान पान रहन सहन वेशभूषा, इस चीज़ के बारे में जानकारी पूरा दी गई है। इसमें पार्ट वन में हम लोग जो दिए हैं, इसमें पार्ट टू में उससे भी बढ़कर तो बहुत सारे चीज़ जानना चाहिए कि हमारे घर में, हमारी झारखंड में संस्कृति और सभ्यता क्या क्या है, इस गाने के साथ पूरा आपको दी जाएगी। तो आइए मिलते हैं अभी इस एल्बम के म्यूजिक कंपोजर से, जो आपको बताएंगे कि इस म्यूजिक का धुन कंपोज करने में कितना एफर्ट डालना पड़ा और कितना मेहनत लगता है किसी भी म्यूजिक को कंपोज करने में, और ये म्यूजिक काफ़ी अच्छा है तो इसके पीछे का जो टाइम एफर्ट लगा, इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे म्यूजिक कंपोजर श्रवण कुमार से और देखते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस। हेलो, पहली बात ये कि इस गाने के जो शब्द है वो क्षेत्रीय आधारित है और शब्द के अकॉर्डिंग आपको म्यूजिक यानी ट्यून बनाने होते हैं, तो शब्द भी माशाल्लाह कमाल के हैं और उसके अनुसार से थोड़ा मैंने अपनी क्रिएटिविटी मैंने थोड़ा सा प्रयोग करा है, तो यही है कि इस गाने की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। और जैसे कि लोगों को ना किसी भी गाने को कंपोज करने के लिए सोचना पड़ता है कि किस तरह का धुन दे, तो कितना टाइम लग गया आपको, जैसे कि इसमें एक धुन है कि हाय रे मोर प्यारा झारखंड, है ना, तो उसका एक लय होता है, एक धुन होता है ना, तो ऐसे आप मतलब अपनी क्रिएटिविटी से सोचने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, लोगों को आपको कितना टाइम लगा? नहीं एक्चुअली में टाइम तो लगता है ना, टाइम लगता है और थोड़ी बहुत है वो बातें हैं तो वो आ भी जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अगर और भी सोचते तो टाइम जाता। मतलब आप बहुत अच्छे से सोच के किए, मतलब आपको ज़्यादा भी मेहनत नहीं करना पड़ा क्योंकि आप बहुत कितने सालों का एक्सपीरियंस अगर पूछ रहे पिछले 6 साल से, तो देख रहे हैं गाइस काफ़ी सालों से इनका म्यूजिक कंपोजिशन में एक्सपीरियंस है और कर भी रहे हैं, और पहला एल्बम जो इसका आया था उसमें भी आप ही कंपोज किए। हाँ, तो आप पहला एल्बम भी देख सकते हैं, वो भी काफ़ी फैंटास्टिक है। तो ये थे हमारे म्यूजिक कंपोजर इस एल्बम के गाइस, अभी सुनेंगे गाना का थोड़ा सा झलक सारे सिंगर के साथ, यहाँ पे कुछ सिंगर मौजूद हैं इस एल्बम के, तो सुनते हैं बिना ऑटो ट्यून के, बिना किसी म्यूजिक के, और आपको समझ आएगा कि ये लोग कितने टैलेंटेड हैं और कितने अच्छे से गाते हैं। तो और उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इस सॉन्ग का, इस एल्बम का, तो आप बहुत ध्यान से पूरे अच्छे से इसको शेयर करिएगा क्योंकि हमारा ये संस्कृति है झारखंड का, तो हम लोग सभी चाहते हैं कि ये सारे लोगों तक पहुँचे और लोग इसका आनंद उठा सकें। तो ये सुनते हैं कुछ झलक हमारे इन सिंगरों से। नदी जंगल और है पहाड़, माटी झरना और है बहार, देखे में अति सुंदर लगला बड़ी सुंदर, देखे में अति सुंदर लगला बड़ी सुंदर, हाय रे मोर सुंदर झारखंड, हाय रे मोर प्यारा झारखंड, हाय रे मोर सुंदर झारखंड, हाय रे मोर प्यारा झारखंड। वाओ फैंटास्टिक, बहुत अच्छा था। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग बात करेंगे टीम वर्क के बारे में, और हमारे श्रवण सर बताएंगे कि किसी भी गाना को शूट करने के लिए पूरी टीम का कितना योगदान रहता है, मतलब सारे लोगों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है अपना एनर्जी टाइम एफर्ट, और तब जाके सालों की मेहनत के बाद कुछ अच्छा सा निकल के आता है, कुछ अच्छा सा सॉन्ग बन के आता है। तो इसके बारे में बताएंगे श्रवण कुमार सरवण कि कितना एफर्ट डालते हैं ये एक एक लोग, लीजिए बात करते हैं, आइए बात करते हैं। इस गाने में तो तकरीबन सबों की अहम भूमिका रही है, और पहली बात कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने डायरेक्टर साहब का कि इन्होंने इतने लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया और अपना बहुत मतलब वो सारी चीज़ें भी लोगों में एक तरीके से मान लिया जाए, ये हमारे स्टूडेंट्स भी, और अभी इस तरीके से है कि जब हम लोग बैठे थे पोजीशन पे तो लग रहा था हम लोग जैसे सब कोई एक ही है, हम लोग टीचर और स्टूडेंट्स का रिश्ता फिर नहीं रहा, वहाँ पर हम मैं भी एक सिंगर की तरह ही था, तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे इतने सारे लोग आए,
और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और तकरीबन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना भूमिका बखूबी निभाया। और इस गाने में रही बात मेहनत की, तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी वो बात करी है। अब जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर साहब, तो उन्होंने भी अपना वो एफर्ट दिया है, लगता है कि उनका भी इसमें वो सारी एफर्ट डाले हैं जो उन्हें लगता है करना चाहिए। फिलहाल आप देखते हैं कि गाने की शुरुआत जैसे होती है तो वो भी एक फील दौड़ जाता है, माहौल, वो इन्वायरमेंट दौड़ जाता है, वातावरण बन जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है। अब इस गाने वो मायने रखता है, क्योंकि अगर गाने में एनर्जी नहीं दिखेगा तो फिर लोगों को एक्साइटमेंट कैसा फील होगा किसी भी चीज़ का, तो वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और दूसरे इसके बियॉन्ड में जाएंगे तो लिरिसिस्ट जो हमारे हैं नंदलाल जी, उन्होंने भी शब्दों को लिखा है तो कहीं ना कहीं देखा है कि पूरी झारखंड की जो विशेषता है, पूरा विश्व में जाना जाता है जिस कारणों से, खान खरप्यान वगैरह वगैरह स्पेशलिटी है, कुछ धार्मिक स्थल हैं, इन सबों को भी उन्होंने एक पूरे कंटेंट को एक जगह पे इकट्ठा करा, फिर जाके इनको शब्दों में पिरोया। मैंने तो बाद में करा, उन्होंने दिया मटेरियल, मेरा समझ के पहले से तैयार था, मेरा बहुत छोटा काम रहा, लेकिन इन लोगों का और टीम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद फिर अगर देखे जाए हमारे कोरियोग्राफर, इन्होंने भी अपनी वो बात डाली है, मतलब जो एक बेहतर से बेहतर हो सकता था इन्होंने भी अपना एफर्ट डाला है, तो इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस प्रोजेक्ट में काम करके मुझे बहुत खुशी, स्पेशली मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम। देख सकते हैं कि मतलब पूरी टीम एक दूसरे से कोऑपरेशन करते हुए सॉन्ग को मतलब डायरेक्ट किए हैं और रिलीज किए हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं एक और सिंगर से, वो बताएंगे यहाँ के मतलब डिफरेंट डिफरेंट झारखंड के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के बारे में, जहाँ जहाँ जाना पड़ा सारे सिंगर्स को और एक्टर को डांसर को शूट करने के लिए, डायरेक्टर को वहाँ पे जाके एक एक लोगों को गाइड करना पड़ा कि आपको कैसे स्टेप्स करने हैं, और कोरियोग्राफर को वो धूप में रह के, हम भी गए थे एक बार एक लोकेशन पे, तो वो धूप में रह के लोगों को गाइड कर रहे थे कि मतलब कैसे आपका स्टेप्स करने, एक एक स्टेप्स में मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता था फिर जाके हो रहा था। तो आइए बात करते हैं थोड़ा लोकेशन के बारे में, पूछते हैं इनसे। हमारे गाने का जो शूटिंग हुआ वो सारे झारखंड के ही विभिन्न जिलाओं में हुआ है, विभिन्न स्थानों में हुआ है, तो लोकेशन जहाँ तक कि परफेक्ट नहीं मिलता किसी को, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और हमारा टीम काफ़ी बड़ा था, 30 डांसर इसमें, और हमारे डांसर तो वो हैं जो कैमरा में दिख गए, उसके पीछे हमारे 30-40 लोग थे जो उन्हें डायरेक्शन दे रहे थे। और मतलब बहुत ही अच्छे कंडीशन नहीं होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से उस शूटिंग को पूरा किया गया, और सारे डांसर को मतलब एक साथ जोड़ा गया कि सारे डांसर ही लीड कर रहे हैं। हमारे गाने का खासियत ये भी है कि सारे डांसर हर जगह दिखते हैं, कि कोई हमारे गाने में कोई हमारे गाने में लीड नहीं कर रहा, तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही होता है, और वो उसी के शुक्र हम शुक्रगुजार इस चीज़ के हैं कि वो डायरेक्शन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिला और हम उस चीज़ को तभी कर पाए। और लोकेशन झारखंड है इतना खूबसूरत, तो जगहें तो बहुत अच्छी हैं, तो बात है कि झारखंड इतना प्यारा, इसलिए हमारा शूटिंग बहुत अच्छी जगह में हो गया और फिर डायरेक्शन बहुत अच्छी हुई। देख पा रहे हैं कि इस गाने में टोटल 30 डांसर हैं और 23 सिंगर हैं, मतलब आप इसको एक रिकॉर्ड समझ सकते हैं, ऐसा पहले भारत में नहीं हुआ था। मतलब ये एक रीजनल लैंग्वेज पे बना हुआ गाना है और पहली बार हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में बात करें तो, जिसमें 23 सिंगर हैं, मतलब इसको एक रिकॉर्ड का मतलब खिताब मिल सकता है अगर बात करें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारे झारखंड का नाम इस देश में थोड़ा सा आगे आए बाकी स्टेट के कंपेयर में, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा। तो आइए अब बात करते हैं फाइनली हमारे डायरेक्टर सर से, और वो आखिरी कुछ सब बताएंगे इसके बारे में, उसके बाद हम बताएंगे कि ये कौन से चैनल पे आने वाला है ये वीडियो। धन्यवाद, बहुत अच्छा। एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, सबसे पहले बात है कि जो ये गाना राहुल झनकार यूट्यूब चैनल पर आएगी, और ये आप प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करें, और बहुत खूबसूरत वीडियो है, एक बार देखिए। झारखंड के विभिन्न विभिन्न प्रांतों से शूटिंग की गई है, झारखंड के सभी इलाकों में जाके उसकी
विशेषताएं को ली गई है। और हमारे अनिल जी बता भी रहे थे कि ये एक भव्य रूप से हम लोग भी इसको तैयार किए हैं, अभी तो बोल नहीं सकेंगे, वीडियो एक बार देखिए। थैंक यू राहुल जी और सारे टीम को कि आप लोगों ने इतना एफर्ट दिया और इतना मेहनत किया ताकि हमारे झारखंड के कल्चर को एक नेशनल लेवल पे लाया जा सके, जिसके लिए आप सभी को शुक्रिया मेरी तरफ से। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।